हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है और 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो हरियाणा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी कर दिया है। स्टार प्रचारकों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा चुनावी प्रचार करेंगे। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी का भी नाम इस सूची में शामिल किया गया है। 25 मई को छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होना है, ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया गया है और स्टार प्रचारकों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। और आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर चुनावी प्रचार में जुटेंगे। 25 मई को छठे चरण में यहाँ पर चुनाव का आयोजन होगा। तो 40 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया गया है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है, ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है। बीजेपी की पैनी नजर है हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर और 40 स्टार प्रचारकों की सूची को आज जारी कर दिया गया है। तो स्टार प्रचारकों में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर चुनावी प्रचार में जुटेंगे और 25 मई को छठे चरण में यहां पर लोकसभा की 10 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। और इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी ने पैनी नजर बना के रखी हुई है और 40 स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उम्मीदवार उतारे हैं और जिस तरीके से 10 साल से यहां पर सत्ता में भी काबिज है भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो पूरा दमखम अब यहाँ पर लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सुनने में उत्सुकता लोग दिखाते हैं, तो ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर आएंगे और जिस तरीके से ये नाम आप देख रही हैं, इससे साफ झलकता है कि यहाँ पर ज़रूर राम मंदिर का भी जिक्र किया जाएगा। दो चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को भी बनाने की कोशिश पुरजोर की और हमने देखा कि रैली के दौरान उसी का पलटवार करते राहुल गांधी नजर आए थे और कहते हुए ये भी नजर आए थे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो VIP लोग हैं वो नजर आए थे, तो उसका जवाब अब हरियाणा की धरती से ये नेता जरूर देते हुए नजर आएंगे। नामांकन को लेकर अधिसूचना 29 तारीख को यहाँ पर 29 अप्रैल को शुरू हो चुकी है, जारी हो चुकी थी और 29 तारीख से ही यहाँ पर नामांकन शुरू हो चुका है। और आज की बात करें तो नवीन जिंदल, जो कि कद्दावर नेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते थे लेकिन कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए उसके तुरंत बाद ही उन्हें लोकसभा की टिकट दे दी गई थी और कुरुक्षेत्र से वो आज अपना नामांकन भरेंगे। थोड़ी ही देर में नामांकन उनकी तरफ से भरा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहेंगे और नामांकन जनसभा भी आयोजित की गई है, लोगों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और यहाँ पर लगातार निशाना राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी साधा जा रहा है। भले ही कुरुक्षेत्र में गठबंधन के साथ यहाँ पर मुकाबला हो, क्योंकि मेन मुकाबला अगर हरियाणा की धरती पर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। 9 पर कांग्रेस लड़ रही है, एक सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की दी है। सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा यूनिट के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और बीजेपी कड़ी टक्कर देने के लिए यहाँ पर नवीन जिंदल को उन्होंने उतारा है। और कल देखिए रक्षा मंत्री पहुँच रहे हैं,
जिस तरीके से अभी कार्यक्रम उनका तय हो चुका है, रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक हॉट सीट बनी हुई है हरियाणा की, क्योंकि हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है रोहतक को, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि जो राज्यसभा के सांसद है हरियाणा से, और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। 2019 में चुनाव हारे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अरविंद शर्मा जो कि मौजूदा सांसद हैं रोहतक से, उन्होंने ही चुनाव हराया था दीपेंद्र हुड्डा को, और इस बार भी वही चुनौती दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को। अरविंद शर्मा कल अपना नामांकन भरेंगे, साथ में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। हॉट सीट है, और इस बार देखना होगा कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 का बदला ले पाते हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है हरियाणा में, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए किसी भी सीट पर आप चुनौती देख पा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ है, वैसे में अब कांग्रेस के अंदर से ही जो हुड्डा खेमे के भी नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप टिकटों का वितरण भी देखेंगी, 9 सीटों पर जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें शैलजा गुट का चला नहीं है सिक्का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको टिकट दिलवाना चाहते थे उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। बीच में जो पेंच फंसा हुआ था भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट और गुरुग्राम को लेकर फंसा हुआ था, भिवानी महेंद्रगढ़ से एक विधायक जो है कांग्रेस के रावदान सिंह, हुड्डा चाहते थे उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन शैलजा गुट और सुरजेवाला का जो गुट है वो चाहते थे कि किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को वहां से टिकट दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रावदान सिंह को उतारा गया। गुरुग्राम को लेकर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि वहां पर कैप्टन अजय यादव जो कि शैलजा गुट के माने जाते हैं वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुड्डा ने अपने मित्र राज बब्बर को वहां से टिकट दिलवा दी है। यहां पर जो कड़ी टक्कर है मनीषा, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में जरूर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर मानकर देखा जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। अगर हम गुरुग्राम सीट की भी बात कर ले, अपनी भूमिका जो है बिल्कुल, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईशा।